वाई ड्रॉप स्टार लाइक अ सन बिकम आफ्टर दे एग्जस्ट देयर न्यूक्लियर फ्यूल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है वाई ड्रॉप स्टार। हमने जो 2022 का पेपर डिस्कस किया था वहाँ पे जियोग्राफी का एक क्वेश्चन था वाई ड्रॉप से रिलेटेड, तो इसके ऊपर हम आज शॉर्ट वीडियो डालेंगे कि ये है क्या। जब स्टार की इवोल्यूशन होती थी, पहले नेबुला बनता था, उसके बाद बना स्टार। जब हाइड्रोजन, उसका फ्यूल, स्टार का फ्यूल क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुआ तो बना हमारा स्टार। उसके बाद जब इसका फ्यूल कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम। जब वो थोड़ा थोड़ा अंदर से ख़त्म होने लगा तो ये किस में कन्वर्ट हो गया स्टार जो है? रेड गेंट स्टार में। रेड क्यों? रेड कलर में ही क्यों? क्योंकि जब लो टेम्परेचर होता है तब रेड कलर होता है, ठीक है। जब थोड़ा ज़्यादा होगा वाइट, और सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा ब्लू। तो इसका फ्यूल कम हो रहा है तो मतलब रेड गेंट। फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया, मतलब कंप्रेस होने लगा, किस में कन्वर्ट हो गया? वाइट ड्रॉफ, ठीक है, वाइट ड्रॉफ स्टार में। इस टाइम जो थी इसकी शाइन भी कम होगी। अब किसी चीज़ में जब फ्यूल ही कम हो रहा है, हाइड्रोजन, अब स्टार का फ्यूल क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। तो जब ये कम होने लगा और सुकड़ने लगा, छोटा साइज हो गया, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं वाइट ड्रॉफ, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है कि जब इसका न्यूक्लियर फ्यूल एग्जॉस्ट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया स्टार। पहले सबसे पहले क्या था? नेबुला। नेबुला में क्या था? नेबुला में जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुआ, वो किसमें? नेबुला कन्वर्ट हुआ स्टार में। फिर स्टार रेड गेंट में, ठीक है, रेड गेंट। फिर जब इसका फ्यूल ख़त्म हुआ तो ये वाइट ड्रॉफ, और वाइट ड्रॉफ का ख़त्म होगा तो ब्लैक ड्रॉफ में, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा जब, और शाइन भी नहीं करेगा उस टाइम, ठीक है। तो इसका जो फ्यूल भी पूछ सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। ये एक पेपर में आया हुआ था तो हमने सोचा कि चलो इस पर शॉर्ट वीडियो लेके आते हैं। थैंक यू।